भारत एशिया के प्रमुख देशों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत मूल रूप से कभी भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था? लगभग 335 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजॉइक युग के अंत के दौरान पृथ्वी के अधिकांश भूभाग एक सुपर कॉन्टिनेंट में एक साथ जुड़ गए थे, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया के दो मुख्य भाग थे, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना। लगभग 175 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के दौरान प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के कारण पेंजिया टूटना शुरू हुआ। जैसे ही पेंजिया विखंडित हुआ, भारतीय भूभाग मूल रूप से गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल थे। इस विघटन के कारण अंततः भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भूभाग के रूप में अलग हो गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप अलग होने के बाद गोंडवाना महाद्वीप से दूर उत्तर की ओर बढ़ने लगा था। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट जो उत्तर की ओर बढ़ रही थी, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और भारत एशिया महाद्वीप से जुड़ गया। यह टकराव प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया का परिणाम था। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव के प्रभाव कारण तीव्र भूवैज्ञानिक गतिविधि हुई। इस टकराव से बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक दबाव पैदा हुआ, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसी टेक्टोनिक दबाव के कारण हिमालय आज भी लगातार बढ़ रहा है।